हेलो एवरीवन, आप इस वीडियो में जानेंगे कि साइबर क्राइम से बचने के लिए आप कौन कौन से साइबर सेफ्टी मेजर्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज टेक रेगुलर बैकअप ऑफ इम्पॉर्टेंट डेटा। आपके डिवाइस पे जो भी इम्पॉर्टेंट डेटा है आप उसका रेगुलर बैकअप लेके रखें, उसको हार्ड ड्राइव में, फ्लैश ड्राइव में या क्लाउड कंप्यूटिंग की हेल्प से आप रिमोट सर्वर्स पे अपने डेटा का बैकअप लेके रख सकते हैं, राइट। तो अगर आपका इन केस कंप्यूटर या आपका डिवाइस हैक होता है या उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपका इंपॉर्टेंट डेटा वहां पर आपके पास अवेलेबल होगा इन द फॉर्म ऑफ बैकअप। ओके, यूज इन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड कीप इट अपडेटेड ऑलवेज। हमेशा अपने डिवाइस में, अपने सिस्टम में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके रखिए, राइट, और उसको टाइम टू टाइम अपडेट भी करते रहें। ओके, जब आप अपडेट करते हो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को तो उसमें न्यू फीचर्स एड ऑन होते रहते हैं। ओके, तो अगर कोई भी मान लो ऐसा कोई मालवेयर है जिसकी कोडिंग में कुछ अमेंडमेंट है तो जो एंटीवायरस अपडेट होके आया है, राइट, वो उसको इजिली ट्रैप कर सकता है। अगर ओल्ड एंटीवायरस है तो उसको पहचान ही नहीं पाएगा, मालवेयर को पहचान ही नहीं पाएगा। तो आपको हमेशा अपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखना है। ओके, अवॉइड इंस्टॉलिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स। कभी भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम पे, अपने डिवाइस पे इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। ऑलवेज डाउनलोड सॉफ्टवेयर फ्रॉम नॉन एंड सिक्योर साइट्स। हमेशा अपने, अगर आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल करने अपने सिस्टम पे तो उनको हमेशा सिक्योर साइट से आपको डाउनलोड करना है। ओके, ऐसी वेबसाइट्स जिनके स्टार्टिंग में जो प्रोटोकॉल है वो HTTPS है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, राइट। तो जो HTTPS है वो क्या बताता है कि ये पर्टिकुलर वेबसाइट एक सिक्योर वेबसाइट है। ओके, उस वेबसाइट से आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो और अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हो, राइट। ऑलवेज अपडेट द सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इंक्लूड द इंटरनेट ब्राउजर एंड अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हमेशा अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर को, मीन्स अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करके रखें। इससे आपका ब्राउजर भी अपडेट होगा, साथ के साथ आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी अपडेट होंगे, राइट। डू नॉट विजिट और डाउनलोड एनी थिंग फ्रॉम अनट्रस्टेड वेबसाइट। कहीं कभी भी आप ऐसी वेबसाइट पर विजिट ना करें, ऐसी वेबसाइट को आप क्लिक ना करें जो अनट्रस्टेड हो, राइट, जो आपको लगे कि वो सही वेबसाइट नहीं है, और उस पर्टिकुलर वेबसाइट से आप कोई भी गेम, कोई भी सॉन्ग, कुछ भी डाउनलोड ना करें, राइट। यूजली द ब्राउजर अलर्ट्स यूजर्स अबाउट डाउटफुल वेबसाइट। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ब्राउजर आपको अलर्ट कर देता है अगर आप किसी डाउटफुल वेबसाइट को विजिट करते हो। हु सिक्योरिटी सर्टिफिकेट कुड नॉट बी वेरीफाइड, अवॉइड विजिटिंग सच साइट्स। अगर आपको कोई अलर्ट मैसेज मिल रहा है ब्राउजर की तरफ से तो उस पर्टिकुलर वेबसाइट को आप विजिट ना करें। ओके, अवॉइड करें ऐसी वेबसाइट को विजिट करना, राइट। नेक्स्ट, यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड फॉर वेब लॉगिंग एंड चेंज इट पीरियडिकली, राइट। आपके जितने भी अकाउंट्स हैं, आपका सोशल मीडिया पे अकाउंट है, आपके अदर प्लेटफॉर्म पे अकाउंट्स हैं, राइट, आप उसके लिए हमेशा आप वेब ब्लॉगिंग कर रहे हो तो हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप यूज़ करें। ओके, और उस पासवर्ड को आप टाइम टू टाइम पीरियडिकली उसको चेंज करते रहें। डू नॉट यूज सेम पासवर्ड फॉर ऑल द वेबसाइट। ऐसे नहीं करना कि आपका जितने भी प्लेसेस पे अकाउंट है, मान लो आपका फेसबुक पे अकाउंट है आपका और हैंगआउट पे अकाउंट है, राइट, तो आप क्या करोगे, सब में सेम पासवर्ड ना यूज़ करें। ओके, सबके पासवर्ड अलग हो। यूज़ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेशल करेक्टर्स। और आप जब पासवर्ड बनाते हो, राइट, ओके, डालते हो एट द टाइम ऑफ जब आप अपना ईमेल अकाउंट बनाते हो या आप किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पे जब आप लॉगिन करते हो, तो अगर आप पासवर्ड क्रिएट कर रहे हो तो ऐसा पासवर्ड क्रिएट करो जिसके अंदर अल्फाबेट्स भी हो, नंबर्स भी हो, स्पेशल करेक्टर्स भी हो, राइट। इग्नोर कॉमन वर्ड्स और नेम्स इन पासवर्ड्स। ऐसा छोटा सा पासवर्ड ना रखें कि अपना नाम रख दिया या अपना डेट ऑफ बर्थ रख दिया या अपना फ़ोन नंबर रख दिया, ऐसा नहीं रखें। वो क्या होता है, इजिली कोई भी उसे पहचान सकता है। मान लो आपके फ्रेंड्स हैं, वो आपका नेम जानते हैं, आपकी बर्थ डेट जानते हैं, वो क्या कर सकते हैं, आपका अकाउंट वो हैक कर सकते हैं, राइट। ओके, तो हमेशा ही जो आपका पासवर्ड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, और आप टाइम टू टाइम अपने पासवर्ड को चेंज करते रहें, राइट। वाइल यूजिंग समवन एल्स कंप्यूटर डोंट अलाउ ब्राउजर टू सेव पासवर्ड और ऑटो फिल डेटा। जब आप किसी और के सिस्टम पे काम कर रहे हैं, ओके, तो वहाँ पे आप ब्राउजर को अलाउ ना करें कि वो आपके पासवर्ड को सेव करे या आपका डेटा ऑटो फिल करे, राइट। ट्राई टू ब्राउज इन योर प्राइवेट ब्राउजर विंडो। और हमेशा कोशिश करें कि आप जो भी वर्क कर रहे हैं, ब्राउजिंग वर्क कर रहे हैं, वो अपनी प्राइवेट ब्राउजर विंडो में करें। ओके, फॉर एन अननोन साइट डो नॉट एग्री टू यूज कुकीज व्हेन आस्क्ड फॉर।
थ्रू अ येस नो ऑप्शन. ओके, अगर आप किसी अननोन साइट पे गए हुए हैं, ओके, और वहाँ पे आप कुछ सर्च कर रहे हैं, आपके पास क्या आएगा, एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा. वहाँ पे लिखा आ जाएगा दिस पर्टिकुलर साइट विल इंस्टॉल कुकीज ऑन योर सिस्टम. उसके लिए कभी भी येस ना करें, राइट, और येस नो भी ना करें, उसका जो पॉपअप आए सिंपली उसको क्रॉस कर दें. ओके, क्योंकि अगर आपने एक बार यस कर दिया, वो पर्टिकुलर वेबसाइट आपके सिस्टम पे कुकीज़ को इंस्टॉल कर देगी और फिर वो आपको आपका सिस्टम स्पाई करेगी. जो भी आप वेबसाइट्स विजिट करेंगे वो पूरा डेटा उस पर्टिकुलर वेबसाइट के पास जाएगा. ओके, परफॉर्म ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लाइक शॉपिंग, टिकटिंग एंड अदर सच सर्विसेज ओनली थ्रू वेल नोन एंड सिक्योर साइट्स. अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ओके, ऑनलाइन टिकट्स आप बुक कराते हैं और दूसरी ऑनलाइन सर्विसेज आप यूज़ करते हैं, तो आप हमेशा याद रखें, हमेशा ध्यान रखें कि आप वेल नॉन वेबसाइट से ही ये सब काम करें. ओके, ऑलवेज सिक्योर वायरलेस नेटवर्क एट होम विद स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड रेगुलरली चेंज इट. अगर आपके घर में वायरलेस नेटवर्क है, ओके, वाईफाई है, तो हमेशा उसका पासवर्ड आप स्ट्रॉन्ग रखें और उस पासवर्ड को भी आप रेगुलरली चेंज करते रहें. ओके ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.